अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपने आज के व्लॉग में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारा आज का व्लॉग होगा खनोबई मुस्लिम बाग का एरिया है। यहाँ पर जाने के लिए आपने रागा सुल्तानजी का रोड अपनाना होगा, जो कि मुस्लिम बाग बाजार के करीब से ही आपका रास्ता जाता है। खनोबई काफ़ी खूबसूरत एरिया है, यहाँ पर आप काफ़ी फ्रेश महसूस करेंगे। तकरीबन एक घंटे का सफ़र है, एक या डेढ़ घंटे का सफ़र है। रास्ते में आपको काफी खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलेंगे। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट देना ना भूलिएगा। आपको आगे ले चलते हैं इस वक्त। खनोबई जाने से पहले हमने एक पहाड़ी पे चढ़े, जहाँ से पूरे मुस्लिम बाग का एक खूबसूरत नज़ारा हमने कैद किया अपने कैमरे में। काफ़ी दिलकश नज़ारा, असर का टाइम था, सूरज डल रही थी, तो यहाँ से काफ़ी खूबसूरत मंजर था। तो हमने कोशिश किया कि इस सीन को कैद कर लें, कैप्चर कर लें। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये मुस्लिम बाग की पूरी वादी जो है, ये पूरा चारों तरफ से पहाड़ों में गिरा खूबसूरत सा इलाका आपको नजर आ रहा है। खनोबई जाते वक्त आपको रास्ते में खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलेंगे। रास्ते में कई छोटे छोटे गांव आते हैं, इनमें थलारी मोहम्मद जान और इस तरह के दूसरे गांव हैं। यहां पर रास्ते में दीगर जो कीमती पत्थर या पाउडर एक किस्म का मिलता है, ये भी रास्ते में थलारी मोहम्मद जान का गांव है। यहाँ का जो पाउडर है, यहाँ पर से फाइबर बनता है, तो इसकी कीमत भी काफी कीमती जमीन है ये। व्यूअर्स, हम जैसे ही पहुंचे असर का टाइम था, काफ़ी खूबसूरत मनाजिर हमने देखे और हमने महसूस किया कुदरत को काफ़ी करीब से। आसपास जो है वो बेड़ों के रेवड़ और कुदरती तौर पर जो चरवाहे हैं या खानाबदोश हैं, उनके घर। काफ़ी हमारा जो ट्रिप रहा वो एक बिल्कुल टिपिकल सा एक गांव के माहौल हमने महसूस किया। आप देखें, कुदरत के काफ़ी करीब इंसान पहुंच जाता है जब आप आबादी से थोड़ी दूर निकलकर एक खुली और खुशगवार फिजा में सांस लें। हर तरफ आपको दुनियावी जो मादा परस्ती है या मशीनी दौर से निकलकर अगर आप पहाड़ों के दरमियान आ जाए, तो काफ़ी अच्छा इंसान को महसूस होता है। आप देख सकते हैं, जैसे हम खनोबई जो एरिया है वहाँ पर पहुँचने के करीब हैं, तो आपको आपका इस्तकबाल एक छोटी सी नदी करती है। ये आप देख सकते हैं, खूबसूरत सी पहाड़ की चोटी।
काफी दिलकश थी। हमने इसको भी यहाँ पर कोशिश की कि यहाँ पर चढ़ के देख लें, यहाँ से भी काफी मंजर दिखाई देता है साफ। ये नदी जो है ये जाकर के आगे कनोबी के मकाम तक पहुँचती है। काफी खूबसूरत इसका पानी, साफ शफाफ और काफी जायकेदार पानी है यहाँ का। गोल सी जगह है काफी। आप यहाँ पर व्यूअर जब पहुंच जाए तो आपको बिल्कुल लगेगा नहीं कि ये मुस्लिम बाग का एरिया है। यह कुदरती जो चश्मा है, काफी खूबसूरत मंजर हमें देखने को मिला। ये आप देख सकते हैं साफ शफाफ पानी, काफी खुश बिल्कुल मिनरल्स की तरह। ये पहाड़ों के दरमियान से और जड़ी बूटियों के होता के दरमियान से होता हुआ, तो ये बिल्कुल एक शफा वाला पानी है। इस पानी में काफी शफा पाई जाती है। आप देख सकते हैं कई खूबसूरत मनाजिर हैं यहाँ के। कनोबी के मकाम पर यहाँ पर काफी लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। काफी करीब है मुस्लिम बाग के, एक छोटा सा रिफ्रेशमेंट प्लेस है। काफी यहाँ पर खूबसूरत मंजर है, पहाड़ पर जो कुदरती तौर पर जड़ी बूटियाँ उगी होती है बिल्कुल एक अलग सा तासुर पेश कर रही होती है।
व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे ब्लॉग के बारे में कमेंट देना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। इस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।